प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी टिकट की घोषणा होने के बाद पहली बार भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत भी की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। सीपी जोशी भीलवाड़ा पहुंचे हैं, जोरदार स्वागत हो रहा है। जिलाध्यक्ष प्रसाद मेहरा की अध्यक्षता में स्वागत हो रहा है। हमारे साथ सीपी जोशी, आइए इनसे बात करेंगे। सर, 15 टिकट की घोषणा कर दी गई है, लोकसभा चुनाव में एक्टिव मोड पर आ चुकी है भाजपा पार्टी, संगठन में नियुक्त कर दी गई है, किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा, 400 पार की बात की जा रही है। देखिए, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये सिर्फ पार्टी का नारा नहीं है, ये जनता ने अपना नारा बना लिया है। और जनता नारा क्यों बनाती है कि 2014 से लेकर अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को अपना परिवार बांध के काम किया। इस देश में चाहे गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। और 10 वर्षों में, और मुख्यमंत्री रहते हुए 23 वर्षों की माने तो, उन्होंने एक दिन भी और एक घंटा भी अपने लिए नहीं बिताया, इस देश की मातृभूमि के लिए बिताया। अपना पल पल और अपना क्षण क्षण इस देश के लिए दिया, तब देश की जनता ने अब तय कर लिया फिर से एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस में कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं, राजनीतिक माल में शामिल हो चुके हैं, क्या आने वाले समय में और भी नेता आएंगे, और भी नेता संपर्क में भाजपा के? देखिए, सबको लगता है कि कहीं कहीं नीति नियत नेता नेतृत्व और कार्यकर्ता अगर कहीं है तो भाजपा के पास है। इसलिए मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सब लोग अपनी आशा व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, कई लोग और उसमें प्रतीक्षा में है, तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, सबको नेतृत्व के ऊपर सबको विश्वास है। कांग्रेस और नेता टूट जाएंगे भाजपा में, देखिए समय बताएगा। तो सीपी जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत का दावा कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।